Hi guys, welcome back to my channel and today I share with you my this look guys. So ये look मैंने create किया है special for Eid और Eid festival के लिए मैंने create करा है. अगर आप भी चाहते हो मेरे ऐसा ही look create करना so बहुत simple से step है. अगर आप मेरी video देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. अगर video पसंद आए तो इसे like कर देना, share कर देना and मेरे channel को subscribe कर लेना. तो चलिए फिर video start करते हैं. सो मैंने यहाँ फर्स्ट अप्लाई किया अपने फेस को हाइड्रेट करने के लिए गुड वाइब का रोज़ ग्लो टोनर. ये टोनर काफ़ी अच्छा है, इससे आपका फेस काफ़ी हाइड्रेट हो जाता है. नेक्स्ट मैंने अप्लाई किया है लैक्मे सन एक्सपर्ट SPF 50. इसको मैं अपने फेस पे अच्छे से लगा लूँगी, ये आपको सन से प्रोटेक्ट करेगा. सो नेक्स्ट मैंने अप्लाई किया है फर्साली द यूनिकॉर्न एसेंस सीरम. ये सीरम काफ़ी अमेजिंग है गाइस. ये आपके फेस पे अप्लाई होने के बाद ना एक बहुत ही ड्यूइनेस ला देता है. जो आप फाउंडेशन लगाओगे ना तब आपको पता लगेगा कितना प्यारा ग्लो आता है आपके फेस पर, जो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है गाइस ये. सो मैंने ये अप्लाई किया है. एंड इसको लगाने के बाद मैं 5 मिनट के लिए इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी. सो फाउंडेशन के लिए मैंने यूज़ किया है लैक्मे एब्सोल्यूट ऑर्गेनिक सीरम फाउंडेशन SPF 45. ये फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा है. सो मैंने ये अप्लाई किया है यहाँ पर. इसको अपनी फिंगर की हेल्प से लगाऊंगी, देन ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा वेट करके उसके बाद इसको अप्लाई कर लूँगी. सो आप देख सकते हैं गाइस कि कितना प्यारा ग्लो आया है. कंसीलर के लिए मैंने लिया है मेबलिन द न्यूयॉर्क कंसीलर. कंटूर के लिए मैंने लिया है मार्क्स का कंटूर स्टिक. सो इसको भी मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से अपने फेस पे ब्लेंड कर लूँगी. ये कंटूर स्टिक भी गाइस बहुत अच्छी है, तो काफ़ी अफोर्डेबल भी है, तो आप भी देख सकते हो अपने लिए. सो यहाँ मैंने अपने फेस को कंटूर कर लिया है गाइस. कॉम्पैक्ट के लिए मैंने लिया है ADS का लग्जरी बनाना लूज कॉम्पैक्ट. इसको मैं अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. आईब्रो के लिए मैंने लिया है मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल. इसे मैं अपनी आईब्रो को अच्छे से फिल कर लूँगी. एक स्पूली की हेल्प से इसको सेट कर लूँगी अपनी आईब्रोज को. आई शेड के लिए मैंने यूज़ किया है लैक्मे एब्सोल्यूट का आई शेड पैलेट. इसमें से मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है. इसको मैं अपने सिर्फ आउटर कॉर्नर या इनर कॉर्नर पे ही अप्लाई करूँगी. सो गाइज मैंने यहाँ यूज़ किया है मिस रोज़ का ग्लिटर आई शेड. ये कॉपर कलर है. इन सब की डिटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी गाइज, आप वहाँ से देख सकते हैं. यहाँ मैं थोड़ा हाइलाइटर यूज़ करूँगी गाइज. अपनी इनर कॉर्नर पर भी हाईलाइट करूँगी, इससे आपकी आँखें थोड़ी लार्ज लगती है, थोड़ी बड़ी दिखती है.
एंड जो मैंने कॉम्पैक्ट लगाया था आँखों के नीचे उसको मैं डस्ट आउट कर लूँगी। लाइनर के लिए मैंने यूज़ किया है कवरगर्ल का लाइनर, इससे मैं एक विंग लाइनर ही ड्रॉ करूँगी। मस्कारा के लिए मैंने यूज़ किया है मैट लुक का मस्कारा। ब्लशर के लिए मैंने लिया है लैक्मे एब्सोल्यूट का इल्यूमिनेटिंग शिमर ब्लशर। ये ब्लशर काफ़ी अच्छा है, इससे आपके फेस पे काफ़ी नेचुरल लुक आ जाता है, नेचुरल फिनिश देता है ये आपके फेस पर ना। हाइलाइटर के लिए मैंने यूज़ किया है बेकिंग हाईलाइट इन कलर। ये हाईलाइटर भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा फिनिश है इसका भी। सो मुझे जहाँ चाहिए मैं वहीं पर हाईलाइट करूँगी गाइस। लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किया है ग्लैम की लिक्विड मैट लिपस्टिक। लोअर आईलैशेस के लिए मैंने लिया है लैक्मे एब्सोल्यूट का पैलेट, इसमें से मैंने ब्लैक कलर एंड ग्रीन कलर अप्लाई करूँगी अपने लोअर आईलैशेस पे। मेकअप को फिक्स करने के लिए मैंने यूज़ किया है लोरिया पैरिस का इन फॉरएवर मेकअप फिक्सर। इसको एक स्पॉन्ज की हेल्प से अच्छे से वेट वेट कर लूँगी। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइस। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो या आपको थोड़ी बहुत ही पसंद आई हो गाइस, तो इसे प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल बटन को भी ज़रूर हिट करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास ज़रूर नोटिफाई हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।